नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जहां पे आपको नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज के बारे में पता चलेगा। तो कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के साथ साथ टोटल वैकेंसी, सैलरी, इंपोर्टेंट डेट्स एंड यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। साथ साथ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, ये सारे डिटेल्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पोजीशन के साथ साथ आपको पे स्केल एज वेल एज अपर एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज एज वेल एज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है मतलब पोजीशन जो है सबसे पहला वो है अकाउंटेंट की पोजीशन। यहाँ पे आपको पे स्केल आपको देखने को मिलेगा 28,600 से लेकर 1,15,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमकॉम अगर आपने कंप्लीट किया है विद एडवांस्ड अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एज अ स्पेशल सब्जेक्ट, साथ साथ 5 साल की एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग कमर्शियल अकाउंट्स इंक्लूडिंग रिकंसिलिएशन एंड फाइनल अकाउंट्स और एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कैश एंड रिकॉर्ड्स, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 23 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की, जहाँ पे स्केल है 21,500 से लेकर 86,000 रुपीज पर मंथ एंड 30 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा तीनों पोजीशन के लिए। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एंड उसके साथ साथ कंप्यूटर में आपका बेसिक नॉलेज है, यानी कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एज वेल एज आपका टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश है, तो फिर आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। 25 टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा फॉर जूनियर असिस्टेंट पोजीशन। नेक्स्ट है जूनियर इंस्पेक्टर की पोजीशन, जहां पे आपको 21,500 से लेकर 86,500 की सैलरी आपको देखने को मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। एंड यहाँ पे देखिए, अगर आपने 12th पास किया है, साथ साथ आपके पास 3 साल की एक्सपीरियंस है इन परचेज और सेल ऑफ रॉ जूट, इट्स ग्रेडिंग एंड असॉर्टिंग, बेलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 12th पास कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे जो है वैकेंसीज रिलीज किया गया है। 42 टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखिए, एज लिमिट यहाँ पे बताया गया है 30 इयर्स जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि ओबीसी के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए 33 इयर्स, 35 इयर्स फॉर एससीएसटी, 40 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए, हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या डेजिग्नेशन आपका होने वाला है, वो रिलेवेंट डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस टेबल पे। जैसे कि अकाउंटेंट के लिए एडिशनल अकाउंटेंट हो गया, जूनियर असिस्टेंट के लिए एडिशनल जूनियर असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर इंस्पेक्टर के लिए एडिशनल जूनियर इंस्पेक्टर, एडिशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या फिर एडिशनल मार्केटिंग ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो देखिए, सबसे पहला जो अकाउंटेंट पोस्ट है, इसके लिए आपका स्टेज 1 में सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्टेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। क्वालिफाइंग पैरामीटर जो है 50% आपको सिक्योर करना है फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड ईएसएम कैंडिडेट एंड एससीएसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 45% आपको जरूर सिक्योर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जूनियर असिस्टेंट पोजिशन के लिए स्टेज 1 में सीबीटी के साथ साथ टाइपिंग स्पीड टाइपिंग टेस्ट होगा एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल मेरिट लिस्ट। क्वालिफाइंग पैरामीटर सेम रहने वाला है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जूनियर इंस्पेक्टर के लिए, जहां पे सीबीटी होगा स्टेज 1 में, स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्टेज 3 में जो है ट्रेड टेस्ट होगा एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, इसी वेबसाइट में जाके आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप देख सकते हैं 02/2024, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक भी आपको देखने को मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले क्या क्या आपको रेडी रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो कि अपलोड करना है आपको, वो यहाँ पे लिस्टेड है, यहाँ से आप चेक कर ले बिफोर एप्लीकेशन। एंड देखिए, यहाँ पे जब भी आप अप्लाई करेंगे तो करेक्ट एंड वैलिड मेल आईडी एज वेल एज आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना होगा, बिकॉज आगे जाके कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो वो मेल के थ्रू या तो फिर एसएमएस के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस अगर देखा जाए तो एससीएसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जनरल एक्साविजमेन, ओबीसी, ओबीसी क्रिमिलियर एज वेल एज नॉन क्रिमिलियर, ईडब्ल्यूएस एंड इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज आपको पे करना होगा, जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए, सीबीटी जो टेस्ट होगा उसके लिए 100 क्वेश्चंस आने वाला है,
100 मार्क्स के लिए 120 मिनट्स के लिए आपका एग्जाम होने वाला है, बट यहाँ पे फायदा एक ही है कि रॉन्ग आंसर के लिए कोई पेनल्टी नहीं है, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका फायदा उठाना चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस आपको आता हो, नहीं जो आता है वो तो आपका करेक्ट करना ही होगा, बट जो नहीं आता है उसको भी छोड़ के मत आना, उसको तुक्के भी लगाओ या फिर कोई भी आइडिया लगा के आंसर दो, बट वो कुछ ना कुछ आंसर आप करके आओ, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए, ठीक है। बाकी जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस होगा उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है, बट कोई कोई आजकल कोई कोई एग्जाम में ऐसा होता है कि अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है फिर उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। कोई टीडीए नहीं मिलेगा फॉर अटेंडिंग द सीबीटी, खुद के खर्चों से आपको अटेंड करना होगा। देखिए बाकी यहाँ पे मेडिकल एग्जाम वगैरह होगा बिफोर ज्वाइनिंग सर्विस, ज्वाइन करने से पहले मेडिकली फिट है या नहीं वो चेक करने के लिए होगा। बाकी एनओसी वगैरह सबमिट करना होगा अगर आप करेंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी। तो यहाँ पे देखिए 30 सितंबर को लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का, बाकी सीबीटी का जो टाइम है डेट है वो आपको बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। कोई भी क्लैरिफिकेशन क्वेरीज के लिए यहाँ पे दिए गए मेल आईडी एज वेल एज मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया गया है, सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक आप कॉल करके या मेल करके पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखने को मिलेगा, जिसको जो चाहिए वो यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर फिल करके आप लोग अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है आया है द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है, ठीक है। एंड ये जो है वेस्ट बंगाल की तरफ से आया है, न्यू टाउन वेस्ट बंगाल, ठीक है। हेड ऑफिस है पटसन भवन 3rd and 4th floor एक्शन एरिया 1, ठीक है। तो यहाँ से नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, 10 सितंबर को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली जो है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे कैंडिडेट्स, मतलब जो भी चाहते हैं इस फील्ड में आने के लिए, जो पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, ह्यूज वैकेंसीज के साथ नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, तो जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। तो यहाँ पे आके आपको बस रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है, जैसे ही आप रिक्रूटमेंट में क्लिक करेंगे तो फिर रिक्रूटमेंट टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आके आपको रिक्रूटमेंट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में क्लिक करना है। एंड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करके आप फर्दर प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं, एंड उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को ही पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।